इन्नी पढ़ाई करके तो फिर जूठे बर्तन साफ करने करना पड़ता, साथ में मिलके करते हैं तो कोई है नहीं करने वाला। ब्याह तो पहला की सोचा सी कि मैं पढ़ लिख के की करना, एक बिजनेस करना था, जॉब के लिए मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन वही काम को अगर जा करके अदर कंट्री में करे तो क्यों नहीं सोचते फिर ये सब। ते जेकर ए काम ना करते तो अज तुसी भी काला कोट पाया होना, ही कभी कोट तो अंदर कभी कोट तो बाहर होना जी। उनकी ख्वाहिश को मैंने पूरा किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे खटक रहा था कि मैं अपने मन की बात सुनूं। तो फिर मुझे फूड में बहुत इंटरेस्ट था, फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया, फिर साथ में मैंने अक्सर समाज दे विच असल दे विच वो देखन नूं मिलदा वा कदे जो सोचिया भी नहीं हुंदा। सो इसे तरह का एक जोड़ा असी अपने दर्शकों अज अपनी स्क्रीन पर दिखावांगे कि जिहड़ा पढ़ लिख के भी अज फास्ट फूड का काम कर रहा वा। सो नेपाल तो आए ने ते इत्थे आण के पंजाब दे विच काम करदे ने, कारोबार कर रहे ने अपना फास्ट फूड का। जे पढ़ाई दे पक्खों गल करिए तां उसने जिहड़ा फास्ट फूड का लड़का काम करता वा उसने LLB की है, लाह की पढ़ाई की है, तो घरवाली उसकी ने BBA नाल कैमिकल का डिप्लोमा किया वा, पर फिर भी अज लोगों के जूठे भांडे मांजन नूं तैयार ने क्योंकि असी कामयाबी हासिल करनी है। सो कामयाबी नूं हासिल करन वास्ते जज्बा होना चाहिए वा, मेहनत करनी चाहिए है, ता ही असी उस मुकाम पर पहुँच सकते हैं जिस मुकाम वास्ते असी सोचा होंदा वा। सो तस्वीर मैं जरूर अपने दर्शकों के नाल उस दुकान की छोटी जी दुकान है जी किराए पर लई है वो तस्वीर अपने दर्शकों के नाल जरूर साझी कर देवगा कि यह जोड़ा वा कि जोड़ा नेपाल चो आ के बटाले के सिनेमा रोड के एक दुकान कर रहा फास्ट फूड की। सो पढ़ाई पक्षों गल की जाए तो पढ़े बहुत आ उन्होंने जवानी असी अपने दर्शकों को जरूर सुनावे कि भैन कि पढ़ी। सब तो पहला भैन तो ही गलबात शुरू कर लें। भैन नाम की तुम्हारा नाम दस। शाइस्ता सिंह। भैन पढ़ाई कितनी है तुम्हारी? BBA प्लस केमिकल की पढ़ाई की मैंने। इतनी पढ़ाई करके तो फिर जूठे बर्तन साफ करने? नहीं ऐसा तो नहीं है, अब वर्क करना पड़ता, साथ में मिलके करते हैं तो कोई है नहीं करने वाला तो उठाना पड़ता है। सो बिल्कुल कदे सोचा ही कि यह दिन वेखने पैणगे जां ऐसी यह काम भी करांगे? ब्याह तो पहला नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा ब्याह तो पहला की सोचा सी कि मैं पढ़ लिख के की करना? एक बिजनेस करना था, लेकिन पढ़ ले जब पढ़ते पे सी उदो भी यह सोचा कि बिजनेस ही करना? बिल्कुल, जॉब के लिए मैंने कभी सोचा नहीं। अच्छा परिवार चो कोई जॉब करता, गवर्नमेंट जॉब? नहीं, सारे बिजनेस पे ही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह होता है। सो इस काम दे विचों कमाई चंगी है, गुजारा चंगे ढंग ना हो जाता है? हो जाता है। मेहनत बड़ी भैन, मेहनत बड़ी है बर्तन साफ करने सब तो वड्डी गल है कि पढ़ लिख के कई बार अजकल ना नौजवान लड़के लड़कियां इस कामां तो बहुत डरते हैं तो विदेश वाल भजदे ने, बाहरले मुल्क चल जाते हैं कि चलो छड्डो अपने इत्थे कुछ भी नहीं हैगा, आ जाके पढ़ लिख के। अगर बाहर में होटल में अगर जॉब लग जाए करना पड़े तो वो लोग तो वहाँ करते ही है, सिर्फ अपने जगह पर डरते हैं कि यहाँ पर करेंगे तो कैसा लगेगा, लोग कैसा सोचेंगे, ये अगल बगल के लोग बोलेंगे, घर के अगल बगल के लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। लेकिन वही काम को अगर जा कर के अदर कंट्री में करे तो क्यों नहीं सोचते फिर ये सब। कभी जो कैमिकल करते पे सी जब BBA की सी उस वेले कभी प्लेसमेंट या ऑफर नहीं आई कॉलेज वालों या यूनिवर्सिटी वालों? बहुत सारी थी, बहुत जगह पे जॉब कर सकते थे, बहुत सारी MLM कंपनी जो चल रही है जो आयुर्वेदा प्रोवाइड करती है उसमें भी कर सकते थे, लेकिन मन नहीं किया। अच्छा मन टिकिया सी एक कोई बिजनेस करना अपना? हाँ जी। अच्छा परिवार से दीपक तो अलावा और कौन है? और भी लोग हैं घर में। नहीं, आपके पास जहाँ पर पंजाब में कौन है? अब भी तो कोई नहीं है फिलहाल। बच्चे कितने हैं? बच्चे एक ही है। अच्छा, उस बच्चे कितने साल का था और कैसे संभालते है उसको? 2.5 साल का है, रश आवर में तो घर ही जाते हैं और ऐसे ट्यूशन जाता है और यहाँ पे रहता है। दिक्कत नहीं, औखा नहीं? थोड़ा सा बदमाशी तो करेगा, छोटा बच्चा है, संभाल लेते हैं। अच्छा हूँ 2.5 साल है, ऊपर कल्ला सोता हुआ कोई नहीं? कोल नहीं, नहीं जाते, आना जाना करते रहते हैं। रहते भी इतने ही हो? नहीं नहीं, इधर रहते नहीं है, इधर जगह है ऊपर तो इधर नहीं रहते हैं, अलग जगह पे रहते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं लगती कोई? नहीं, मुश्किल नहीं होती।
बिल्कुल दीपक नाल भी जरूर गलबात करांगे। जसवीर ने वकालत की है पर अज उहदी वकालत आ जिहड़ी वो सिर्फ तो सिर्फ इस कोलियां दे जिहड़े अंगार आ उत्थे तक ही है सीमित। सो दीपक जी इधर आ जाओ थोड़ा। दीपक वकालत करके अज तुसीं चांप जां फास्ट फूड का काम कर रहे हो ते जेकर यह काम ना करते तो अज तुसीं भी काला कोट पाया होना है, कभी कोट तो अंदर तो कभी कोट तो बाहर होना जी। मेरे फादर साहब का ये मानना था कि भाई ये वाइट कलर जॉब करें। उन्होंने मेरे को अच्छा पढ़ा लिखा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, नेपाल से मैंने LLB किया, फिर उनकी ख्वाहिश को मैंने पूरा किया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे खटक रहा था कि मैं अपने मन की बात सुनूं। तो फिर मुझे फूड में बहुत इंटरेस्ट था, फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया, फिर साथ में मैंने बहुत सारी कंपनियों के साथ काम किया और एट लास्ट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खुद का बिजनेस किया जाए। फिर मैंने अपने रेस्टोरेंट खोला लाइव किचन के नाम से और मैं बटाला में अच्छा खासा इनकम के साथ बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पर घर दे विचों कोई जॉब करता सरकारी? बिल्कुल करते हैं, मेरे बड़े भाई साहब BSNL में हैं, मेरी सिस्टर PWD में है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। और लेकिन उन्होंने मुझे कभी इस बारे में टोका नहीं कि तुम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी क्यों फास्ट फूड कर रहा है। हाँ ज़रूर, मेरी आज से करीब 15 साल पहले मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, मैं टीचर था गाँव का। लेकिन मुझे टीचिंग मैंने 2.5 साल पढ़ाया, उसके बाद फिर मुझे टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, फिर मैं अपने मन की बात सुनी और मैं फिर से रेस्टोरेंट लाइन में आ गया। तो बिल्कुल घरवाली भी नाल लेंदे हो, उन्हां दा रुझान है कि जहाँ तुहाडे करके आए हैं जहाँ तुसी लेके आए? नहीं, रुझान उनका भी था, वो एक्चुअली मेरे फूड, वो भी फूड लवर है, तो उसने भी फूड को एक प्रोफेशन के मैंने चुना, तो उसने भी वो भी हेल्प करती है और साथ ही साथ हम लोग एक मिलजुल कर एक अच्छा सा बिजनेस कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल दीपक वकालत की नाल उन्होंने BBA की, कैमिकल का डिप्लोमा किया, बोरियाँ भर के पैसे लग जाते हैं पर उन्ने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो बिल्कुल हो जाते हैं। और सिर्फ यहाँ पर पैसों की बात नहीं है, हमने ज़रूर माँ बाप का इच्छा को पूरा किया है और उनकी बातों को रखा, फिर हमने सोचा कि क्यों ना अपनी मन की बात सुना जाए। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिज़नेस में पैसे नहीं होते हैं, आपकी मेहनत ज़रूर लगती है, मेहनत लगता है आपको नाम बनाने में तक मेहनत लगता है, फिर जब नाम बन जाता है फिर आपकी जब क्वालिटी फूड आप जब सर्व करते हो, हेल्दी फूड सर्व करते हो, तो फिर लोग आपकी तरफ रुझान करते हैं और आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाती है। बिल्कुल दीपक, उन्होंने नौजवानों की अपील करते हो जा की उन्होंने मैसेज देना चाहते हो जो पढ़ लिख के अज बेकार का समा घर अपने व्यर्थ करते हैं जाते फिर बाहर का रुख करते हैं? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो आपकी दिल की सुने, ऐसा नहीं है कि जो कोई आपका बड़ा बोल रहा है या परिवार वाले बोल रहे हैं कि तुमको ये करना है तो वही करना है, ऐसा नहीं है। आपके मन की बात सुनिए और आपका रुझान जिस तरफ है, चाहे मैकेनिक तरफ जाना चाहे, चाहे इंजीनियरिंग तरफ जाना चाहे, चाहे आप फूड लाइन तरफ जाना चाहे, आपकी जिस तरह की चाह है उसको चूज़ करें और उसको प्रोफेशन बनाएं। बिल्कुल जी, दीपक जी साढ़े नाल जिसने बड़ा वधिया मैसेज उन्होंने नौजवानों को दिता वा जिहड़े पढ़ लिख के अज भी घर अपना व्यर्थ का समा गवा रहे ने। सो उसने कहा कि अपने मन की गल सुनो, जो मन कहता वा वो करना चाहिए, चाहे वह कोई भी काम हो, मेहनत जरूर उस काम से करनी पेगी कामयाबी हासिल करने लिए। सो मेहनत भी सानू उस तरह करनी पेगी जेकर असी कामयाबी लैनी है। सो इस तरह भी अपनी जिंदगी दे विच संघर्ष कर रहे ने, मेहनत कर रहे ने एक चंगा मुकाम हासिल करने लिए। सो वकालत की नौकरी नू वकालत छाड़ी, वकालत LLB तक पढ़ाई भी की है अते नाल दी नाल सरकारी जॉब नू लत मारी, नाल दी नाल घरवाली है जिहड़ी उसने BBA की है, कैमिकल का डिप्लोमा किया, पर फिर भी खुश ने कि असी जेकर लोगों के जूठे बर्तन मांजते हैं तो कदे ना कदे जिंदगी दे विच जरूर कामयाब होवांगे। सो लगातार संघर्ष जारी है, मेहनत जारी है चंगा मुकाम हासिल करने लई। कैमरामैन बंटी के नाल जितेंद्र कुंडल, सांझा TV, गुरदासपुर।